नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का का किचन में। आज हमारे पापा जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की खुशी में आज हम कई तरह के पकवान बनाएंगे। सभी लोग हम मिलकर काम कर रहे हैं, उधर सभी लोग उबले हुए आलू के छिलके उतार रहे हैं और इधर मैं चूल्हे में ईंधन जलाती हूँ। और उसके ऊपर रखती हूँ एक पतीला, आलू छीलने के बाद इसको मैश करते हुए फोड़ लेते हैं। पतीला हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालती हूँ देसी घी। अब इसमें डालती हूँ जीरा, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता डाल देती हूँ। तड़का लाल होने के बाद इसमें धुले हुए चावल को डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिया था, इसको हमने आधे घंटे पानी में भिगो दिया था पहले ही। अब इसमें इसको धुल कर डाल देती हूँ और थोड़ा भून लेती हूँ चावल को। चावल थोड़ा भूनने के बाद इसमें पकने के लिए पानी डाल देती हूँ। इसको ढक देती हूँ पकने के लिए। इसको धीमी आंच पर हम पकाएंगे चावल को। मिक्स सब्जी बनाने के लिए इधर सब्जियों को धो लिया, अब इनको सभी लोग काट रहे हैं। इधर दूसरे चूल्हे पर रखती हूँ बड़ी कढ़ाई, इसमें डालती हूँ सरसों का तेल। तेल गर्म होने पर डालती हूँ मेथी, आधा चम्मच यहाँ पर हमने मेथी डाला है, आधा कटोरी हमने सूखा साबुत लाल मिर्च डाला है यहाँ पर। दो चम्मच कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसको ही भून लेती हूँ। सूखा लाल मिर्च और हरी मिर्च भूनने के बाद अब कटे हुए टमाटर को डाल देती हूँ उसमें। 1 किलो यहाँ पर हमने टमाटर को काटा है। अब टमाटर में डाल देती हूँ नमक, नमक डालने से टमाटर जल्दी गलने लगेगा। टमाटर को गलने तक पकाऊंगी। 2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर यहाँ पे लिया है, उसको डाल देती हूँ। 2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 3 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, इसको भी डाल देती हूँ। इधर हमारा पतीले का चावल भी पक गया है, खिला खिला हो गया पककर। सभी मसालों को थोड़ी देर तक टमाटर में भून लेती हूँ। मसाले हमारे जले ना, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी पकने के लिए और टमाटर भी हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा। इधर पतीले का हमारा चावल भी हो गया है, इसको चूल्हे पे से उतार लेती हूँ। इधर हमारा मसाला और टमाटर भी गल गया है पककर, अब इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू मैश किया हुआ। अब मसाले के साथ इसको भी थोड़ा सा चला लेते हैं, भून लेते हैं। अब ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी डालेंगे अब सब्जी में हमारे उबाल आ गया है आलू टमाटर के।
इसमें डाल देंगे ऊपर से गरम मसाला, एक पैकेट हमने जो लिया है, और चलाकर इसको हम 5 मिनट तक और पकाएंगे भी। पाँच मिनट बाद हमारी सब्जी पक चुकी है। ऊपर से कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्तियों को डाल देंगे। आलू टमाटर की सब्जी पककर हमारी गाढ़ी हो गई है। अब इसको एक बर्तन में हम निकाल देंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे फिर से सरसों का तेल। एक कटोरी हमने सोयाबीन पहले से भिगो रखा था, इसको हम तेल में तल लेंगे। सोयाबीन हमारा तल गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे बर्तन में। अब तेल में डालेंगे जीरा। सूखा लाल मिर्च डाल देते हैं इसमें, साबुत कटा हुआ इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालकर इसको हम भूनेंगे। प्याज को हल्का सा भूनने के बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। हरी मिर्च भी थोड़ा भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, अब उसको भी भूनेंगे। कटा हुआ इसमें आलू डाल देंगे। आलू को भी थोड़ी देर तक अभी भूनेंगे। आलू डालने के बाद अब कटी हुई गोभी को डाल देंगे। गोभी डालने के बाद यहाँ पे हमने बोड़ा लिया है, ये भी डाल देते हैं, कटा हुआ बोड़ा भी। तीनों को थोड़ी देर तक भूनेंगे। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक सब्जी में। नमक डालने के बाद अभी थोड़ी देर तक सब्जी को और भूनते हैं। आलू बोड़ा और गोभी जल्दी पकता नहीं, इसलिए थोड़ा इसको पहले ही हम भून ले रहे हैं। तीनों को भूनने के बाद अब इसमें कटे हुए बैंगन को डाल देंगे। अब सब्जी को चला लेते हैं बैंगन के साथ। अब इसको थाली से ढक देंगे, पकने देंगे धीमी आंच पे। अब बैंगन भी हमारा थोड़ा थोड़ा गलने लगा है, अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तले हुए सोयाबीन को भी डाल देंगे। 2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया था वो डाल देते हैं। 2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है वो भी डाल देते हैं इसमें। 3 बड़ा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है वो भी डाल देते हैं इसमें। मसालों को हम सब्जी में चला देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे जिससे हमारे मसाले हैं वो जले ना। पानी डालकर फिर सब्जी को अच्छे तरीके से चला लेते हैं। पानी डालने से हमारी जो आलू है गोभी है वो अच्छे से पक भी जाएंगे। और इसको थाली से ढक देते हैं और पकने देते हैं धीमी आंच पर। बीच बीच में सब्जी को चलाते रहेंगे।
ऊपर से डाल देते हैं चाट मसाला। दो चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला और चाट मसाला डालने के बाद इसको चला देते हैं। और इसको हम 5 मिनट तक और पकाएंगे। मिक्स सब्जी हमारी पक चुकी है। ऊपर से कटा हुआ फ्रेश धनिया की पत्तियों को डाल देंगे। सब्जी को हम चला देते हैं। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इधर जन्मदिन की तैयारी हो रही है, केक भी आ गया है। बच्चे ने काफी अच्छा डेकोरेट किया सजाकर और बहुत खुश हैं। बाबा को गिफ्ट दोगे? दोगे ना? कि क्या गिफ्ट दोगे? क्या दोगे? नम 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 नम। क्या दोगे गिफ्ट? नम नम दूंगा। ये वाला देना ये। आटे का डो हमने पहले ही सान कर तैयार कर लिया था। अब इधर हम पूड़ियों को बेलना शुरू कर देते हैं। और इधर कढ़ाई में पूड़ियां तल कर निकल भी रही हैं। इधर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। इधर पापा जी केक काटते हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं। सभी लोग गिफ्ट देते हैं पापा जी को। और इधर मैं भी दे देती हूँ गिफ्ट। चलिए इधर केक को बांटना शुरू कर देते हैं। अब खाना हमारा सभी बन चुका है। अब सभी लोगों को खाना देना शुरू कर देती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।